वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए मैं इतना कर पाई, नहीं तो नहीं कर पाती थी। मेरे फैमिली वाले लोग ने भी मेरे को ऐसा, मतलब प्रॉब्लम मैंने इतना ज़्यादा देखी, पर फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। मेरे अब्बा ने मेरे को इतना अप्रिशिएट किया, तो मैं कैसा भी करके पढ़ लेती थी सर यहाँ पे। कैसे पढ़ती थी? बारिश में किस तरह से? बारिश में सर पापा यहाँ पे तालपत्री बांधते थे, वहाँ पे पढ़ लेती थी, और डिम लाइट के नीचे पढ़ लेती थी यहाँ पे। मच्छर काटना ये सब पूरा लोग आते देखते, किस तरह से मैनेज किया? सर लोग आते थे तो इसके लिए मैं रात में पढ़ती थी, ट्रैफिक की वजह से पढ़ने नहीं होता था, यहाँ पे गाड़ी चलती है ना तो पढ़ने नहीं होता था, तो मैं रात में पढ़ती थी। तो रिजल्ट आने से पहले आपको लग रहा था इसके प्रतिशत आएंगे या फिर और भी ज़्यादा? और ज़्यादा एक्सपेक्ट की थी मैं, पर 40 भी आया मेरे लिए बहुत है, मैं पास हो गई। तो अभी आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे बात होती है, वो क्या बोलते हैं? सब मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन किए कि अच्छा वो पास हो गई। मेरे पापा उन लोगों को ही मालूम है ना, हम लोग इतने प्रॉब्लम में, मैंने इतना की, मेरे पापा ने मेरे को इतना अप्रिशिएट किया, तो उन लोग भी सपोर्ट करते हैं। आगे किस तरह से आप कैरी ऑन करेंगे, आगे किस तरह से अपनी लाइफ को लेके जाना चाहते हैं? सर और पढ़ने का, अभी ग्रेजुएशन तक पढ़ने का। मेरे को कोई भी कॉलेज मिलेगा चलेगा सर। ग्रेजुएशन कौन सी इसमें करना? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस? आर्ट्स में। आर्ट्स में क्यों आपको? सर आर्ट्स में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ, उस सब्जेक्ट में मैं कर सकती हूँ। मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि मेरी बेटी 10वीं पढ़ी, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। हर माँ बाप का सपना होता है बच्चे ये बने, कोई आईएएस बने, कोई डॉक्टर बने, कोई साइंटिस्ट, कोई इंजीनियर। आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते? जो बन जावे, एक तीन मुंडी का शेर होता ना साहब, वो एक लगने से अपने कफन पे भी, अपने उसके ऊपर भी, वो भी बन जाएगा ना, बहुत है इस देश के अंदर। हम नागरिक कुछ भी बन जावे, हम इस देश के कुछ भी काम आ जाए, ये हमारा उम्मीद है। ये रोड पे सड़ सड़ के मरने से क्या मिलने वाला है।